एक समय की बात है, एक गांव में एक सोनू नाम का लड़का रहता था। वो अकेला रहता था, उसके माँ बाप नहीं थे, पर उसकी एक बड़ी बहन थी। वो घरों में काम करके अपना घर चलाती थी। सोनू रोज काम की तलाश में भटकता रहता था। उसे काम नहीं मिलता था क्योंकि वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। फिर एक दिन रात को एक चुड़ैल सोनू के घर का दरवाज़ा खटखटाती है। सोनू जब दरवाज़ा खोलता है तो देखता है कि उसके सामने एक चुड़ैल है। चुड़ैल को देखकर सोनू डर जाता है। तभी चुड़ैल बोलती है, बेटा क्या तुम मुझे एक गिलास पानी पिला सकते हो, मुझे बहुत प्यास लगी है। फिर सोनू चुड़ैल के पीने के लिए पानी लेने जाता है। फिर सोनू चुड़ैल को पानी पीने के लिए देता है। चुड़ैल पानी पीकर सोनू से बोलती है, क्या बात है बेटा, तुम इतने उदास क्यों हो, क्या हुआ है तुम्हें। चुड़ैल जी, हम लोग बहुत गरीब हैं, हमारे यहाँ दो वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता। मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, इसलिए मुझे कोई काम भी नहीं देता। तुम बहुत ही नेक लड़के हो, इसलिए मैं तुम्हें एक जादुई उपहार देना चाहती हूँ। फिर चुड़ैल अपने शक्ति से सोनू को एक तस्वीर देती है। सोनू ये लो, ये एक जादुई घर है में एक बहुत ही सुंदर घर बना हुआ था। तुम इस तस्वीर को अपने घर पर लगा देना। अगर तुम्हें जब भी इस जादुई घर का जरूरत हो तो तुम बोल देना कि जादुई घर, मुझे तुम्हारी जरूरत है। तुम्हारे ऐसा बोलते ही जादुई घर तुम्हारे सामने आ जाएगा। फिर तुम उस घर के अंदर जाना, तुम्हें वहाँ जरूरत का हर एक चीज दिखेगा। पर तुम उसी सामान को लेना जिसकी तुम्हें जरूरत हो, और तुम ज़्यादा लालच मत करना। अगर तुम ज़्यादा लालच किए तो ये जादुई घर गायब हो जाएगा। लेकिन हाँ सोनू, एक बात और, तुम अपने साथ किसी को भी उस जादुई घर में नहीं लेकर जा सकते, नहीं तो तुम्हें कुछ भी दिखाई नहीं देगा और जादुई घर गायब हो जाएगा। तुम इस जादुई घर का इस्तेमाल दूसरों की मदद के लिए करना। ठीक है सोनू, अब मैं यहाँ से चलती हूँ। इतना बोलकर चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। सोनू तस्वीर को लेकर अपने घर के अंदर आता है। वो अपनी बहन को सारी बात बताता है। फिर वो तस्वीर को दीवार पर लगा देता है। फिर अगले दिन मोनू जंगल में निकल जाता है और फिर एक शांत और अकेला जगह पर खड़ा होता है और बोलता है, जादुई घर, मुझे तुम्हारी जरूरत है। सोनू के ऐसा कहते ही उसके सामने तस्वीर वाला जादुई घर प्रकट होता है। सोनू उस घर के अंदर जाता है और हैरान रह जाता है क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी चीजें होती हैं। हर एक किस्म के अलग अलग तरह के सभी सामान वहाँ पर थे। अरे वाह, यहाँ पर तो जरूरत की हर चीजें हैं, लेकिन मुझे तो घर के लिए कुछ सामान ही चाहिए। सोनू जरूरत की चीजों को लेकर अपने घर आ जाता है और फिर जादुई घर वहाँ से गायब हो जाता है। उसकी दीदी उसके हाथ में इतना सामान देखकर बहुत खुश होती है और बोलती है, सोनू तुम्हारे पास इतना सब सामान कहाँ से आया। दीदी, कल रात को मैंने आपसे बताया था ना कि वो चुड़ैल ने मुझे जादुई घर दिया था, उसी के कारण ये सब सामान आया है। ठीक है सोनू। फिर एक दिन सोनू के बहन की तबीयत खराब हो जाती है। दवा की दुकान पास में न होने के कारण सोनू बहुत घबरा जाता है। फिर उसे जादुई घर का याद आता है और वो जल्दी जल्दी जंगल में जाता है और बोलता है, हे जादुई घर, मुझे तुम्हारी जरूरत है। सोनू के ऐसा कहते ही जादुई घर उसके सामने आ जाता है और सोनू उसके अंदर जाता है और अपनी बहन के लिए दवा लेकर अपने घर आ जाता है। फिर अच्छे दवा के कारण सोनू की बहन ठीक हो जाती है। अब सोनू दूसरों की मदद भी करने लगा था। सोनू को इतना खुश देखकर उसके दोस्त टीनू ने सोचा कि ये कोई काम धाम तो करता नहीं है, फिर ये दूसरों की मदद कैसे करता है और इतना खुश कैसे रहता है। ये सब सोचकर एक दिन टीनू सोनू का पीछा करता है
और उसके साथ जंगल में जाता है। जादुई घर, मुझे तुम्हारी जरूरत है। सोनू के ऐसा कहते ही जादुई घर उसके सामने प्रकट होता है। सोनू जादुई घर के अंदर जाता है और वहाँ से बहुत सारी चीजें लेकर बाहर आता है। और फिर सोनू के बाहर आते ही जादुई घर गायब हो जाता है। अच्छा, तो सोनू हर चीजें यहाँ से लाता है। अगली बार आने दो सोनू को, मैं देखता हूँ कि उस घर में क्या है। अगले दिन से टीनू जादुई घर में जाने के लिए बिल्कुल तैयार था। जैसे ही सोनू आता है, टीनू उसके पीछे पीछे जादुई घर में जाता है। घर के अंदर इतनी अच्छी अच्छी चीजों को देखकर टीनू बहुत खुश हो जाता है। जैसे ही टीनू सामान को हाथ लगाया, वो सामान वहाँ से गायब हो गया। फिर सोनू को लगता है कि जादुई घर में मेरे सिवा और कोई है। फिर वो पीछे मुड़कर देखता है तो देखता है कि वहाँ पर टीनू भी है और जादुई घर वहाँ से गायब हो जाता है। फिर टीनू और सोनू एक मैदान में खड़े होते हैं। टीनू, तुम घर के अंदर क्यों आए? चाहिए था तो मुझसे मांग लेते, बिना पूछे तुम घर के अंदर क्यों आए? पीछे पीछे आने की क्या जरूरत थी? अब घर तो गायब हो गया, अब मैं दूसरों की मदद कैसे करूँगा? लेकिन ये कैसे हुआ और घर कहाँ गायब हो गया? ये घर जादुई था, इसमें सिर्फ मैं ही जा सकता था। अगर कोई दूसरा जाए तो ये घर गायब हो जाएगा। तुमने ये क्या किया टीनू? मुझे माफ कर दो दोस्त, मुझे पता नहीं था कि मेरे आने से ये जादुई घर गायब हो जाएगा। घर के गायब हो जाने से सोनू बहुत उदास हो गया और वह चुड़ैल से प्रार्थना करने लगा। तभी वही चुड़ैल सोनू के सामने आती है और सोनू से बोलती है, सोनू मैं तुम्हारे काम से बहुत ही खुश थी, लेकिन तुम्हारे दोस्त के आ जाने से ये जादुई घर गायब हो गया। कोई बात नहीं सोनू, अब तुम्हारे दोस्त को उसकी गलतियों का एहसास हो गया है। तुम्हारे अंदर दूसरों के प्रति बहुत ही दया हो गया है, अब तुम्हारा भी मदद सभी गांव वाले मिलकर करेंगे। सोनू, अब मैं तुम्हें फिर से जादुई घर वापस देती हूँ, लेकिन तुम इसका उपयोग इस बार बहुत ही सूझबूझ से करना और इसका उपयोग तुम दूसरों की भलाई के लिए करना। ठीक है चुड़ैल जी, इस बार मैं इसका सूझबूझ से इस्तेमाल करूँगा। फिर इतना बोलकर चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। मुझे माफ कर दो सोनू, हमें किसी से पूछे बिना उसके काम में दखल नहीं डालना चाहिए। इतना बोलकर वे दोनों अपने घर की ओर चल देते हैं और फिर वे दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें किसी से बिना पूछे उसके काम में दखल नहीं डालना चाहिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल हिंदी टेल्स गुरु जी को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिए।